हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सतवें का का नंबर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। का अठवा नंबर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जितना दिया है 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। कह रहा है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ऑल, मतलब इसको बनाना है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन मोनाल बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले नंबर का सॉल्यूशन एथिल मैग्नीशियम C2H5MG, ये हो गया एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट है। और उससे क्या बनाना है, प्रोपेन मोनाल बनाना है। तो इसकी क्रिया हम करा देंगे फॉर्मल्डिहाइड से। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पर निगेटिव आ जाएगा, इसके पॉजिटिव आ जाएगा। और आप जानते हैं ये निगेटिव होता है, एम जी पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से आके ग्रुप इस पर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा HOMG Cl और यहाँ हो जाएगा C2H5, ये बन गया। अब इसका अगेन करा देंगे हम हाइड्रोलिसिस, HOH से क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा और यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ निकल जाएगा MgClOH, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम क्या है, जैसा इसका नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 3 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ। इसको ऐसा लिखा जा सकता है CH2CH3। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 2, 3 और इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन वन ऑल पे OH ग्रुप लगा है तो वन ऑल हो गया और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा। तो इसमें करना क्या है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लेना है, इसकी फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करेंगे तो इसका एडिशन हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटा तो वो निगेटिव हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर वो निगेटिव हुआ तो MgCl आके यहीं पर जुड़ गया है, और इस पर एक वैलेंसी की कमी हुई तो यहाँ C2H5 यहाँ से आ गया है। और आगे इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो यहाँ से MgCl और OH यहाँ चला गया और ये हाइड्रोजन O के साथ जुड़ गया तो OH हो गया। इसी का नाम है प्रोपेन वन ऑल। चलिए दूसरे का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-methyl propane 2-ol बनाना है। तो लिखेंगे मैग्नीशियम, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, इसका नाम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी क्रिया हम कराएंगे कीटोन से, एसीटोन से। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ होगा क्या, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको तोड़ेंगे तो इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा निगेटिव, और आप जानते हैं ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। अब यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा OMG Br और ये CH3 आके इसी कार्बन पे जुड़ जाएगा CH3, इसका एडिशन हो गया दोनों का। अब इसका अगेन क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे HOH के साथ, H+OH-। यहाँ से क्या होगा, MG ये निकलेगा और यहाँ पर H जुड़ेगा तो ये बन जाएगा MG, यहाँ पर हो जाएगा ClBr और यहाँ पर हो जाएगा OH, ये बन गया है। और इसका नाम क्या है, इसका नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3
और दो नंबर पे लगा है मिथिल, तो इसका नाम क्या होगा? टू मिथिल, इसका नाम होगा टू मिथिल प्रोपेन टूआल। यहाँ से नंबरिंग किया हमने, एक दो तीन, दो नंबर पे क्या लगा है? ये मिथिल ग्रुप, और तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हमने लिख दिया प्रोपेन, और दो नंबर पे लगा ओएच के लिए अल्कोहलिक ग्रुप है तो ऑल लगेगा, तो टू ऑल हो गया, तो दूसरे का सलूशन हो गया। इसमें भी वही मैटर हुआ है जो नीचे वाले में हुआ है। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड से बनाना है प्रोपेन वन ऑल, तो क्या करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करेंगे। और अगर मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है टू मिथिल प्रोपेन टू ऑल बनाना है, तो इसकी क्रिया हम कराएंगे एसीटोन से, कीटोन से। अब चलिए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो बेंजील अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH, यह है बेंजील अल्कोहल का फॉर्मूला। इसकी क्रिया हम कराएंगे रेजेंट एसिडिफाइड क्षारीय केमिनो 4 के साथ में क्रिया कराएंगे, तो यह बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो तीसरे में क्या कह रहा था? बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, तो यह है बेंजील अल्कोहल का फार्मूला। इसकी क्रिया कराएंगे एसिडिफाइड क्षारीय केमिनो 4 के रेजेंट के साथ में, तो बेंजोइक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। चौथा नंबर कह रहा है फिनाल से पिक्रिक अम्ल, तो चौथे नंबर का सोल्यूशन मैं यही बना दे रहा हूँ। फिनाल का फार्मूला क्या बनाएंगे? बेंजीन के ऊपर अगर हम लगा दें, पिछली वीडियो में भी मैंने इसका सोल्यूशन आप लोगों को बताया था, यह है फिनाल, और फिनाल की क्रिया हम करा देंगे सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, तो ये बनेगा क्या? पिक्रिक एसिड बनेगा। यह पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, यह चौथे का सोल्यूशन है। फिनाल की क्रिया अगर सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो बनेगा पिक्रिक एसिड, अगर यहीं पर तन नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्रोपेन टू ऑल का निर्जलीकरण। इसका निर्जलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन मैं बना रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। पचवे का सोल्यूशन देखें, लिखा प्रोपेन टू ऑल का फार्मूला क्या होगा? CH3, दो नंबर पे OH लगाना हमको, और यह CH3, यह प्रोपेन एक नंबर, इसका नंबर कितना है? तो एक दो तीन, तो दो नंबर पे क्या लगा? OH ग्रुप, और तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए हमने लिख दिया प्रोप, और टू नंबर पे क्या लगा? ऑल, तो प्रोप टू ऑल इसका फार्मूला हो गया। इसका निर्जलीकरण कराना है, निर्जलीकरण करेंगे H2SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CH2, और इसमें जल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को बाहर निकलना, तो हमने लिया इसको 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड नंबर पे लगा 2 डिग्री पे लगा OH ग्रुप, तो इसे 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। इसका हम क्या कराएंगे? निर्जलीकरण कराएंगे, तो ये बन जाएगा क्या? इसका नाम लिखे तो 1, 2, 3, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, और वन नंबर पे डबल बॉन्ड तो 1-ene, इसका नाम होगा प्रोप 1-ene, और वाटर निकलेगा। इसी क्रिया को कहते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन, ये जितना सोल्यूशन आप लोग को बताया गया वो समझ में आया।